बाबा बैद्यनाथ मंदिर का यह सोनापन, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आते थे, आज वहां दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ है। बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से सरकार के द्वारा इस साल श्रावणी मेला का आयोजन स्थगित करने के बाद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सावन के महीने में सूना रहा पूरा बाबा धाम, जहां पर बोलबम के नारे के साथ गूंजने वाला यह शहर आज खामोश हो गया है। ये खामोशी इस बात की गवाही भी देता है कि तुम अगले वर्ष जरूर आओगे और बड़ी संख्या में आओगे। आप देख सकते हैं बाबा धाम के इस आंगन का सूनापन। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये खामोशी ये कहती है कि इस मेले से जुड़े हर एक शख्स जिनकी रोजी रोटी इस मेले के दौरान चलती थी, उनमें कितना असर हुआ है, उनके घर के चूल्हों तक कितना असर हुआ है। खैर, ये बाबा की नगरी है, बाबा की महिमा है, हर कुछ समय के साथ बदल जाएगा। ये देखना कितना दिलचस्प होगा अगले साल, जब ये भीड़ बड़ी संख्या में होकर फिर से इसी महीने में, सावन के इसी महीने में, अगले साल बोलबम के नारों से गूंजेगा पूरा बाबा धाम, तो कितना अच्छा लगेगा ये नज़ारा देखने को। मानो स्वर्ग एक तरह से इसी आंगन में वास करते हैं। बोलबम, जय श्री।